हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हैं एक टेक एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग सी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम अपने जियो की स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो मैं आज आपको सिंपल सी एक 2 MB की एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। ये एप्लीकेशन बेसिकली काम कैसे करती है, आपकी बैकग्राउंड ऐप्स को डिसेबल कर देती है, मतलब जो भी ऐप जिनको आप नहीं चाहते डेटा देना वो सभी का डेटा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपको ऑप्शन दे देती है कि आप जिस भी ऐप को चाहें ऑप्शन दें और जिसको ना चाहें ना दें। तो आपका जो भी डेटा फालतू में वेस्ट होता रहता है वो सभी डेटा सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के पीछे लग जाता है जिस एप्लीकेशन को आप चलाना चाहते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं अगर आपको ऐप चला के फिर बताऊंगा तो आप आराम से इजीली समझ सकते हैं कि ऐप किस तरह काम करती है। आपको प्ले स्टोर पर सिंपली नेट गार्ड सर्च कर लेना होगा और सबसे मेन बात इस ऐप का फीचर है कि इसको कोई भी रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को ऑन करेंगे यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देगा, आप उस पर आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आप जैसे ही ऐप को इनेबल करेंगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये ऐप कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में वर्क करेगी, तो हो सकता है इससे आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो जाए या तो आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने की वजह से इस ऐप को डिसेबल। तो इस ऐप को जो भी परमिशन चाहिए आप अलाउ कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये ऐप अपने आप बैकग्राउंड में डिसेबल हो जाएगी, इसलिए आपको इसको नॉट ऑप्टिमाइजेशन पर सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका फ़ोन इसको ऑटोमेटिकली डिसेबल नहीं करेगा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने की वजह से। तो मैं यहाँ पर इस ऐप को ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको नॉट ऑप्टिमाइज पर सेट कर देता हूँ ताकि ये चलते चलते डिसेबल ना हो जाए। अगर ये डिसेबल हो जाती है तो फिर मेरा डेटा वापस से स्लो हो जाएगा। आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पर मेरी सेट है ऑप्टिमाइज पे, तो मुझे यहाँ पर डोंट ऑप्टिमाइज पर सेट करना है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। आप इसके बाद आपको सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हर एप्लीकेशन के आगे 2 सिंबल देखने को मिलेंगे आपको, एक है वाईफाई का और दूसरा है डेटा का। आप दोनों भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो ऐप आपका वाईफाई ना यूज़ करे, सिर्फ और सिर्फ डेटा यूज़ करे, या आपका सिर्फ और सिर्फ वाईफाई यूज़ करे डेटा ना करे, तो भी आप दोनों तरीके से सेट कर सकते हैं। आप सभी ऐप का डेटा ऑफ़ कर दीजिए, जिस ऐप जैसे कि आप यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का ही ऑन रहने दीजिए, बाकी सब को ऑफ़ कर दीजिए, जिससे कि आपकी इंटरनेट स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जितना भी आपकी डेटा की स्पीड आ रही है वो सब आपको यूट्यूब में मिलेगी। इस वजह से आपका यूट्यूब का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको ये ट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।